धर्मशाला से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर खनियारा में स्थित अगंजर महादेव मंदिर सदियों से यहाँ स्थापित है। अगंजर एक संस्कृत का शब्द है और पापों को नाश करने वाले को अगंजर अर्थात शिव कहा गया है। अगंजर महादेव मंदिर में कैलाश जाते वक्त महाभारत काल के दौरान अर्जुन ने तपस्या की थी और उन्हें भगवान शिव शंकर ने दर्शन दिए थे और यहाँ से अपने साथ कैलाश ले गए थे। अर्जुन को दिव्य अस्त्र व शस्त्र प्राप्त हुए। अगंजर महादेव एक तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में बाबा गंगा भारती व राजा रणजीत सिंह का प्रसंग भी जुड़ा हुआ है, जिसमें राजा रणजीत सिंह के पेट की बीमारी बाबा गंगा भारती ने अपने धुने से ही दूर की थी और एक साथ कई दुसाले भी धुने से निकालकर राजा के अभिमान को खत्म किया था। आज भी इस अखंड धुने की विभूति का प्रयोग शारीरिक व अन्य बाधाएं व रोग दूर करने के लिए किया जाता है। इसी स्थल पर बाबा ने जीवित समाधि ले ली थी और बाहर से द्वार बंद करवा दिया था। जिस द्वार को बाबा गंगा भारती ने बंद करवाया था, आज उस द्वार के बाहर हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया है। साल तपस्या की गुप्त वर्ष में तपस्या की थी और शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए थे, पाशुपत अस्त्र दिया था, विजय प्राप्ति का वरदान दिया था। वो है तो इसी मंदिर के साथ अटैच है, लेकिन उसका डिपार्टमेंट अलग है। अब वो दरिया के किनारे है, उसको हम हिंदू लोग वरुण देवता, जल देवता भी कहते हैं। अगर वो देवता किसी पर प्रसन्न हो जाए तो उसके घर में कलह क्लेश नहीं होती, जितने भी प्राणी हैं आपस में प्रेम पूर्वक रहेंगे। अननेसेसरी मनी वेस्ट, जैसे मुकदमा लग जाता है, बीमारी लग जाती है, वो नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट है, यहाँ दूना है, जब पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का नाम राज था तो इस मंदिर के इंचार्ज बाबा गंगा भारती थे। उन्होंने यह दूना स्टार्ट किया था 500-600 साल पहले। तो इसको अखंड दूना कहते हैं। अखंड दूने का मतलब इसमें 24 घंटे आग रहनी चाहिए, चाहे थोड़ी रहे ज़्यादा रहे, लेकिन आग रहनी चाहिए। लोकल 18 के लिए शालिका ठाकुर की रिपोर्ट।